हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप जानते हैं, इग्नू ने आपके लिए एक नोटिस जारी किया है अभी कि आपके जो एग्ज़ाम है 3 अगस्त से किन स्टूडेंट्स के होने वाले हैं और दिसंबर में कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए हैं। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो 3 अगस्त से अपने एग्ज़ाम देंगे और कौन कौन से स्टूडेंट्स ये एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, ये सारी डिटेल आपको इस नोटिस में दी गई थी। जब आप इस नोटिस पे जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको यहाँ पे ये नोटिस दिया गया है। जब आप इस नोटिस पे क्लिक करते हैं तो आपका जो नोटिस है वो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा और इस नोटिस में आपको सारी ये डिटेल्स बताई गई हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, फाइनल ईयर के वो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, चाहे वो मास्टर डिग्री के हों, बैचलर डिग्री के हों, पीजी डिप्लोमा या डिप्लोमा के जो सभी स्टूडेंट हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं 3 अगस्त से जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी ये सारी डिटेल्स दी गई है। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं सिर्फ एक क्लिक से कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, आपका एडमिशन कौन से सेशन में हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि हमारा एडमिशन कौन से सेशन में हुआ है, क्योंकि एडमिशन की जो डेट है वो एक्सटेंड होती रहती है। इस वजह से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि हमारा एडमिशन कब हुआ है। जैसे कि आपके एडमिशन का सेशन है जनवरी 2021 और आपने एडमिशन मार्च में लिया, तो स्टूडेंट को डाउट रहता है कि मेरा जनवरी का एडमिशन है या मार्च का। तो दोस्तों, एडमिशन की डेट एक्सटेंड होती है, जिस वजह से आपको डाउट रहता है। पर आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कब हुआ है, कौन से सेशन में हुआ है, तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको इग्नू की वेबसाइट पे जाना है और इग्नू की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट सपोर्ट पे जाना है। यहाँ पे आपको स्टूडेंट जोन पे क्लिक करना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल पर आपको वो आपके रजिस्ट्रेशन यानी एडमिशन की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर, आपका जो प्रोग्राम है और यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे सबमिट किया, सबमिट करने के बाद ये आपकी डिटेल आ जाती है। यहाँ पर आपको जैसा कि शो हो रहा है जुलाई 2019, यानी आपका जो एडमिशन है वो जुलाई 2019 का है। तो दोस्तों, ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका एडमिशन कब का है। इसके बाद आपको वहाँ पर डिटेल दी गई थी नोटिस में कि आपका एडमिशन कब का है और आपका रजिस्ट्रेशन कब का होने चाहिए, जब भी आप एलिजिबल होंगे। जैसा कि आप जब नोटिस में जाते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा है मास्टर डिग्री प्रोग्राम के लिए कि आपका एडमिशन जुलाई 2019 का या उससे पहले का है, तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। और आपका री रजिस्ट्रेशन जो फाइनल ईयर है आपका, तो फाइनल ईयर के लिए जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2020 या उससे पहले का होना चाहिए। और यदि आप सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, जैसे BCA MCA, तो आपका जो लास्ट सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन है वो जनवरी 2021 या उससे पहले का होना चाहिए, जब ही आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। और यदि आप किसी बैचलर डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, तो आपका एडमिशन जुलाई 2018 से पहले या जुलाई 2018 का होना चाहिए और आपका जो फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2020 का होना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि जुलाई 2019 में आपका जो एडमिशन हुआ है और जुलाई 2020 का आपका सेकंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं कि आपका री रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और आपका एडमिशन कब हुआ था। आपका एडमिशन जुलाई 2019 में हुआ है और आपका जो री रजिस्ट्रेशन है वो जुलाई 2020 में हुआ है। तो दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट्स ने अपने फाइनल ईयर का री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 या उससे पहले करवाया है, तो वो सभी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं जो 3 अगस्त से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो दोस्तों, ध्यान दीजिए, वो स्टूडेंट जो जुलाई 2020 में जिन्होंने अपने बैचलर या मास्टर डिग्री के लिए अपना री रजिस्ट्रेशन करवाया है और इससे पहले करवाया है, तो आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं जो आपके 3 अगस्त से फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होंगे। या फिर आप
किसी भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम के स्टूडेंट है और आपने जनवरी 2021 में अपने फाइनल सेमेस्टर का री रजिस्ट्रेशन जनवरी 2021 में करवाया है तो भी आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पर आपको और भी डिटेल दी गई है कि आपका एडमिशन कब का है और आपका री रजिस्ट्रेशन कब का है, तो ये सारी डिटेल आप चेक कर सकते हैं। और जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं, जितने भी CBCS मोड के, यानी कि जैसे BA G, BCOM G, BSc G, जिनका एडमिशन अभी हुआ है, न्यू एडमिशन हुआ है फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, तो उनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ये सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जिनका री रजिस्ट्रेशन जुलाई 2020 में फाइनल ईयर के लिए हुआ था, सिर्फ उनके एग्ज़ाम 3 अगस्त से अभी होंगे। और बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी A to Z स्टूडेंट बचे, उन सभी के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे। और जो एग्ज़ाम नहीं दे पाता है तो उन सभी के एग्ज़ाम भी दिसंबर में होंगे। और बाकी जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनका जनवरी 2021 में एडमिशन हुआ है या फिर जिनका जुलाई 2020 में फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में एडमिशन हुआ है, तो उनका सभी का एग्ज़ाम दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाएगा, क्योंकि आपके जो फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अभी सिर्फ फाइनल ईयर वालों के एग्ज़ाम हो रहे हैं और बाकी सभी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम आपके दिसंबर में लिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, आप नोटिस में देख सकते हैं, प्लस आप यहां पर ये जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टेटस है इस पोर्टल पे भी जाकर आप यहां पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से अपना इनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम, कैप्चा कोड फिल करके देख सकते हैं कि आपका एडमिशन कौन से सेशन का है, प्लस आपका री रजिस्ट्रेशन कब का है, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। और आप अपना एग्ज़ाम जो है वो कब देंगे, अभी अगस्त से देंगे या दिसंबर से देंगे। अगस्त से सिर्फ फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम होगा और दिसंबर में जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं या जो भी बाकी स्टूडेंट बच गए, उन सभी का एग्ज़ाम दिसंबर में लिया जाएगा, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जनवरी 2021 के या जुलाई 2020 के। तो दोस्तों, ये थी आज की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। आई होप आपको सारी डिटेल समझ आ गई होगी। दोस्तों, आपको यदि कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।